बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अबद और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के क्विज नंबर 1 का सोल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अभी यहाँ पर आपके सामने ही क्विज़ को सॉल्व करूँगा, आपको बताऊँगा कि किस तरह से क्विज़ को सॉल्व करना है। क्विज़ के लिए जो क्राइटेरिया है वो आपके टू वीक्स के लेक्चर आपने देखे हों या आपको उनके बारे में आइडिया हो कि किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, तो तभी आप ये क्विज सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपके सामने क्विज सॉल्व करते हैं। लेकिन क्विज को सॉल्व करने से पहले आपसे हमेशा तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्टडी प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो या रेड कलर के बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। क्योंकि मैं इस तरह से VU की असाइनमेंट और क्विज वगैरह का सोल्यूशन लाता हूं और साथ में डिजी स्किल की असाइनमेंट और क्विज वगैरह का सोल्यूशन भी लाता हूँ। अगर आप किसी असाइनमेंट या क्विज वगैरह का सोल्यूशन चाहते हैं तो आपने उस बुक का नेम और साथ में उसकी लास्ट डेट मेंशन कर देनी है ताकि वो मैं आपको उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं VU के असाइनमेंट और उनका सोल्यूशन, VU के क्विज और उनका सोल्यूशन, डिजी स्किल के असाइनमेंट और उनका क्विज का सोल्यूशन वगैरह भी लाता रहता हूँ। तो आपसे मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जल्द अज जल्द मिलती रहे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने क्विज सॉल्व करते हैं, आपको बताते हैं कि क्विज को किस तरह से सॉल्व करना है। साथ में कोशिश करूंगा कि वो क्विज को मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दिया करूँ कि उसका आंसर इस तरह से क्यों आया। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली मैं टेक क्विज पर क्लिक करूँगा। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट क्विज पर क्लिक करूँगा तो क्विज स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। गूगल मिशंस इज़ टू द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। गूगल मिशन क्या है? गूगल मिशन इज़ टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसका ऑर्गेनाइज है क्योंकि ये एक पूरा जो गूगल का मिशन है। अगर आपने लेक्चर लिए होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये एक गूगल का जो मिशन है ये उसकी पूरी लाइन है कि गूगल का मिशन है इज़ टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल, ठीक है, इसका ऑर्गेनाइज आएगा। सेव हम करेंगे, सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। गूगल शो डिफरेंट रिजल्ट टू यूज़र बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट क्वायरीज टाइप्स एंड डैश ऑफ द सर्चिज, ठीक है, सोशल हिस्ट्री, ईमेल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट्स, नेशनलिटी, ठीक है, उनकी कॉन्टैक्ट्स, नेशनलिटी। गूगल शो डिफरेंट रिजल्ट टू यूज़र बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट क्वेरी टाइप्स एंड सोशल हिस्ट्री, ईमेल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट्स, टाइप्स एंड कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स के मुताबिक उन्हें सर्च प्रोवाइड करता है, इसका अगर कॉन्टेक्स्ट। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। LSI कीवर्ड आर डैश कीवर्ड विच हेल्प गूगल टू अंडरस्टैंड योर कंटेंट रेलिवेंसी, तो इसका क्या आएगा आंसर? तो LSI कीवर्ड आर सिंपल कीवर्ड विच हेल्प गूगल टू अंडरस्टैंड योर कॉन्टैक्ट सेमेंटिक टारगेटेड लिस्टेड, तो इसका आएगा सेमेंटिंग टारगेटेड लिस्टेड, तो इसका आएगा LSI लिस्टेड, ठीक है, लिस्टेड कंटेंट इसका आएगा लिस्टेड। कहेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। SEO विच फॉलोज सर्च इंजन रूल एंड पॉलिसीज कॉल्ड, विच फॉलो सर्च इंजन रूल्स एंड पॉलिसीज, उसे क्या कहते हैं? वाइट हैट SEO, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, ब्लू हैट, उसे हम कहते हैं वाइट हैट SEO, क्योंकि ब्लैक हैट इसका उल्ट होते हैं और ग्रे हैट में दोनों चीज़ें होती हैं और ब्लू हैट होती नहीं है, ठीक है, तो इसका आएगा वाइट हैट SEO। उसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। इनबाउंड मार्केटिंग द मार्केटर डैश मार्केटर सेल एडवर्टाइज ग्रेजुएट हाउएवर इन आउटबाउंड इन मार्केटिंग द मार्केटर सिंपली सेल्स ग्रो मोर्स, ठीक है, इनबाउंड में क्या होता है और आउटबाउंड में क्या होता है, तो इसका आएगा इनबाउंड मार्केटर जो है उसका मकसद होता है सेल्स या मार्केटर सेल्स ग्रो एडवर्टाइज प्रमोट एजुकेट सेल्स क्वांटिफाई एंड क्वालिफाइज, तो इसका आ जाएगा
इसका आ जाएगा सेल्स एंड ग्रोथ, तो ये आएगा इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, गूगल कीवर्ड्स प्लानर्स डाटा कैन बी एक्सपोर्टेड इन वर्ड फॉर्मेट, एक्सेल फॉर्मेट, पीडीएफ, पावर पॉइंट, जो होता है एक्सेल फॉर्मेट में, ठीक है। इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, इन बॉन्डेड मार्केट इज ऑल्सो नोन एज पुश मार्केटिंग, पुल मार्केटिंग, लोकल ब्रांड, तो ये होती है पुश, ये होती है पुल मार्केटिंग इन बॉन्डेड मार्केटिंग, ठीक है। आउट जो होती है आउटबाउंडेड मार्केटिंग वो होती है पुश मार्केटिंग, ये होती है पुल मार्केटिंग। इसे हम करें सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, गूगल कैन शो द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट टू द सर्च बिकॉज ऑफ द क्रोम ब्राउजर, द ट्रैकिंग दे डू फॉर्म ऑल देयर प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम, द पेड डेटाबेस, द क्वालिटी ऑफ द ऑडियंस। इसका आएगा द ट्रैकिंग, ठीक है, क्योंकि वो हमें ट्रैक करते रहते हैं, इस वजह से वो हमें बेस्ट रिजल्ट शो करवाते हैं जो हम सर्च करते हैं, क्योंकि उनके पास हमारा डाटा मौजूद होता है। तो इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है और ये सेकंड लास्ट है, गूगल कीवर्ड प्लानर कैन बी असेस थ्रू गूगल एड्स अकाउंट बाय क्लिकिंग ऑन द बटन टूल्स, ठीक है। तो अगर आपको उन्हें लेक्चर लिए होंगे तो आपको पता होगा कि जब हम गूगल एड्स के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो उसके ऊपर एक टूल्स का ऑप्शन आ जाता है जहाँ पर आप उसे क्लिक कर कर गूगल कीवर्ड प्लानर को एक्सेस कर सकते हैं। इसे करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। और ये लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, गूगल मिशन इज टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड मेक इट असेसिबल एंड यूजफुल, ठीक है। इसका ये वाला आ जाएगा, क्योंकि पहला भी क्वेश्चन यही था और लास्ट भी यही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ तो इसका यह आएगा, इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। तो फाइनली हमारे क्विज़ हो चुके हैं कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।